तो महापुराण की कथा में एक बात पार्वती जी से भगवान शंकर ने जब चंद्र को काया के रोग से मुक्त किया, शिव जी का नाम जब सोमनाथ हुआ, सोमेश्वर हुआ, तब पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, ये चंद्र पूर्व में जब तुम सती थी, दक्ष प्रजापति के घर में तुम जन्मी थी, माता प्रसूति के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारी 27 बहनें इस चंद्र के साथ भी आई थी, ये तुम्हारी बहनों का पति है, पार्वती तुम्हारा पूर्व का जो जन्म था, जिस जन्म में तुम सती थी, दक्ष प्रजापति के घर में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारी 27 बहनें चंद्र के साथ ब्याही थी और चंद्र एक के प्रति आसक्त रहा, रोहिणी के प्रति, बाकी के प्रति आसक्ति नहीं थी उसकी। चंद्र को काया का रोग क्यों लगा? ऐसा क्या कारण चंद्र का था कि केवल अपनी एक पत्नी पर ध्यान दिया और बाकी की पत्नी को छोड़ दिया, इसलिए उसको काया का रोग लगा? चंद्र को काया का रोग किस लिए लगा? रोहिणी पर ध्यान दिया और 26 जो पत्नियां थी उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए काया का रोग हो गया। सोमनाथ जी की अगर हम कथा देखें, चंद्रेश्वर महादेव की अगर कथा देखें, तो हमारे मन में आता है कि चंद्र ने अपनी एक धर्म पत्नी रोहिणी पर ध्यान दिया और 26 पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए काया का रोग हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये कारण नहीं था। दक्ष प्रजापति ने केवल एक छोटी सी बात के लिए अपने दामाद को श्राप नहीं दिया, कारण केवल यह नहीं है कि 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया और एक पत्नी पर ध्यान दिया इसलिए ऐसा शरीर हो गया, ऐसा रोग हो गया, ना ना ना। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, रोग का कारण केवल इतना सा था कि 27 पत्नियों में से एक रोहिणी को चंद्रदेव ज्यादा चाहते थे, 26 को नहीं चाहते थे, कोई बात नहीं, 26 को नहीं चाहते ना, कोई बात नहीं, इसमें श्राप का कोई कारण नहीं बनता, इसमें श्राप देने का कोई कार्य नहीं बनता। फिर पार्वती जी ने पूछा, तो फिर इनको श्राप क्यों लगा? मेरी बहन के पति चंद्रदेव को श्राप क्यों लगा? तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती उनको श्राप लगने का कारण केवल इतना सा था, तुम एक पत्नी को चाहो मना नहीं, 26 को तुम ना चाह रहे हो कोई बात नहीं, पर 26 का अपमान तो मत करो, 26 को अपशब्द तो नहीं कहिए, 26 की निंदा तो ना करिए। आप अपनी पत्नी को चाहो मना नहीं है, पर बाकी का अपमान तो ना किया जाए। एक सास के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है उसकी बहू अच्छी आए, पर सास के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य एक और होता है कि हमारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 5 बेटे हैं और उनकी बहू आ जाए, तो ये सास का लक्ष्य होना चाहिए कि कभी भी मुख से ये ना कहे कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है, कि छोटी अच्छी है, कि मंजली अच्छी है, कि संजली अच्छी है। अपनी दृष्टि में रखो कि कौन कैसा है, पर अपने मुख से कभी किसी एक बहू को श्रेष्ठ बताते हुए बाकी की बहुओं की बुराई जिंदगी में ना करी जाए, वो हमारे जीवन का दुख का कारण बन जाता है, वो हमारे तकलीफ का कारण बन जाता है। चंद्रदेव को काया का रोग क्यों हुआ? चंद्रदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी को ज्यादा प्रेम करा इसलिए काया का रोग हुआ? नहीं, चंद्रदेव को कारण
काया का रोग इसलिए हुआ क्योंकि चंद्र 26 जो पत्नियां थी, 27 में तो प्रेम था, 26 पत्नियों का अपमान कर देते थे। चार लोग बैठे हैं, चार लोगों में जैसी पत्नी पानी लेकर आई, अपमान कर दिया, हर कुछ कह दिया, अपशब्द कह दिए, चिल्ला कर दौड़ दिए, कुछ कहने में आ गया, कुछ बोल दिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसके कानों में जाकर कहिए कि तुमने ये गलती करी है। और किसी ने कुछ अच्छा करा है तो कानों में जाकर ना कहिए बल्कि नगाड़ा बजाकर कहिए कि तुमने ये अच्छा किया है, तुमने ये श्रेष्ठ किया। 26 पत्नियां जब पानी लेकर आती चंद्र तब चिल्ला कर दौड़ते, 26 पत्नियों में से एक पत्नी जब पंखा डोलाती चंद्र जब चिल्ला के दौड़ते। दुनिया के लोगों ने कहा कि 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया इसलिए चंद्र को काया का रोग हुआ। ना ना ना, 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं, 26 पत्नी का अपमान करा इसलिए काया का रोग। चंद्रदेव सभा में बैठकर हमेशा कहते थे तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरी सुंदर काया पर तो दुनिया मोहित हो जाती है, तुम मुझे देखती नहीं हो। और क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे रे काया का, के काया माटी मिल जाएगी राम भजले, राम भजले प्रभु का नाम भजले, के काया माटी मिल जाएगी राम भजले। चंद्रदेव अपनी काया का गुणगान करते रहे, मेरी काया ऐसी है, मैं इतना सुंदर हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है। ना धन संपदा सत्ता और काया, धन संपदा सत्ता और काया कभी आपकी नहीं हुई है। थोड़े दिन अगर धन का सुख भोग रहे हो सकता है कि जीवन का क्या पहलू आ जाए, किसने देखा, इसलिए मर्यादित शब्द होना चाहिए। काया बहुत सुंदर है, बचपन में सुंदर है, जवानी में सुंदर है, अधेड़ी आएगी तो वो काया भी आपको लगेगा, बताओ मैं तो कितना सुंदर था, पहले ऐसा था, पहले वैसा था, और काया ऐसी हो गई। सत्ता, आज आपके पास में अच्छा पद है, अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छी कुर्सी है, आप कोई अधिकारी के पद पर बैठे हो, आप कोई मंत्री के पद पर बैठे हो, आप कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर बैठे हो, आपके पास में सत्ता है, आप कभी मालूम पड़ा विधायक बनकर बैठ गए, कभी सांसद बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, आपके पास सत्ता है। और इसके पहले किसी और के पास थी, उसके पहले किसी और के पास थी, जीवन का क्या ठिकाना है, कब किसके पास पहुंचे। धन वैभव सत्ता और यौवन अर्थात अपना शरीर एक जैसा नहीं रहा, कितना सुंदर कहा है, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जम के बोलो जरा भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, बोलो सही है, जम के बोलो जरा सही है, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पर पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। अगर तुम्हारी श्वास में तुम्हें हवा ही नहीं मिले और तुम्हें कहीं पैक कर दिया जाए तो भोजन और पानी का क्या करोगे। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है और भोजन से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी आयु।
क्या जरूरी है? आयु, ये वायु से ज्यादा जरूरी है। समान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं, आयु इतनी थी। खाने के लिए डब्बों में बादाम भरी पड़ी हुई है, पूरी अलमारियां रकम से भरी पड़ी हुई है, धन दौलत पड़ा हुआ है, और मालूम पड़े प्राण छूट गए, आयु इतनी थी। क्या करोगे उस संपदा का? फैक्ट्री का, दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, साड़ियों का, गहनों का, कपड़ों का करोगे क्या? गाड़ी और बंगले का करोगे क्या? तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है बोलते जाओ वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। बस जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं, शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तुम कितना भी श्रृंगार कर चले जाओ, तुम स्नान कर चले जाओ, बिना स्नान के चले जाओ, तुम जैसे भगवान के पास जा रहे हो वो अपनी जगह पर है। तुम भगवान को चांदी का लोटा में पानी ले जा रहे हो कि तांबे के लोटे में ले जा रहे हो कि स्टील के लोटे में ले जा रहे हो कि मिट्टी के लोटे में ले जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। पाँव में चप्पल पहन कर जा रहे हो कि नहीं पहन कर जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम कुछ करो ना करो, पर सबसे ज्यादा जैसे मनुष्य की जिंदगी में आयु जरूरी है, उसी तरह परमात्मा शंकर की सेवा में मन बहुत जरूरी है। मन अगर लग गया तो परमात्मा, मन नहीं लगा तो परमात्मा है ही नहीं। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला है, ग्राम बल्लूपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला, मैं ग्राम बल्लूपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ, दूसरे दिन मैं मैनपुरी गई और अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर ने मुझे गांठ बता दी। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे शरीर में गांठ बताई, फिर सीटी स्कैन के लिए आगरा जाने को सलाह दी। वहां हमने आगरा में सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया, आप लोग पत्र को LED पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया, लास्ट स्टेज का कैंसर था, ऑपरेशन नहीं होगा, कीमो लगेंगे, फिर कोई गारंटी नहीं है। तब मेरे भाई ने कहा कीमो नहीं लगवाएंगे, कहीं और दिखाएंगे। फिर लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल कायमगंज फरुखाबाद में दिखाया। डॉक्टर ने कहा कैंसर है, जल्द से जल्द ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन लखनऊ होगा, यह नहीं हो पाएगा। लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल जाते ही मुझे भी पता चल गया कि मुझे कैंसर है। मैं अंदर से टूट गई। मेरी मम्मी ने कहा TV पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसमें सियोर वाला महाराज कुछ बताता है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल बोलता है। मम्मी ने कहा शिवजी पर चढ़ा हुआ जल पीकर जाना, तू ऐसे मत जाना। हम मेरी माता के वचन पर विश्वास कर और सियोर वाला महाराज आप पर भरोसा कर शंकर को जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अपनी जेठानी को दे दिया कि अब मेरे कोई पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने केवल 1 महीने का टाइम दिया है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं जी सकती। मैंने अपने बच्चे अपनी जेठानी को दे दिए, और बाबा मैं क्या वर्णन करूँ, मैंने शंकर पर जल चढ़ाकर विश्वास कर जल पी लिया। शंकर भगवान से कहा भोले बाबा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो कुछ भी कर मुझे बचा लेना, बस मेरे बच्चों के लिए मुझे बचा लेना। मैं कैंसर हॉस्पिटल में पहुंच गई लखनऊ के, और ऑपरेशन का समय आ गया। ऑपरेशन का समय आया,
तब ऑपरेशन करते समय मेरे शरीर से 5 किलो की गांठ निकली, जिस गांठ का फोटो मैं आपको लगा रही हूँ। आप लोग टीवी पर ऑपरेशन के समय पर जो 5 किलो की गठान निकली है उसको आप टीवी पर देख सकते हैं। ऑपरेशन के समय पर जो 5 किलो की गठान निकली है वो 5 किलो की मेरे शरीर में गांठ निकली और ये गांठ का फोटो उसने साथ में लगाया है। 5 किलो की गठान निकली, 5 किलो की गठान निकली और 9 बजे ऑपरेशन पूरा हुआ। 5 किलो की गठान निकलने पर डॉक्टर ने कहा यह कैंसर बहुत बड़ा है, फिर से जांच होगी। गुरुदेव, मेरी मम्मी शंकर जी के मंदिर से नहीं हिली और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। शंकर जी का जाप करती रही, हिली नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गुरु जी कोई मुझसे पूछे कि इस मंत्र में क्या है। 5 किलो की गांठ, डॉक्टर ने पहले बोल दिया कैंसर, और वही गांठ का टुकड़ा फिर जांच के लिए गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें 100% कैंसर है, पर जैसे ही जांच वापिस होकर आई डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें 1% भी कैंसर नहीं है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आई मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला, मैं ग्राम बल्लपुर पोस्ट जोत जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। आपकी बहन एक शिव भक्ति, एक विश्वास, एक भरोसा। जब हमारे भीतर एक शंकर के प्रति अविरल भक्ति प्राप्त होती है उसको समझना कठिन। आपके क्षेत्र में भागवत बहुत हुई होगी, रामायण बहुत हुई होगी, गीता बहुत हुई होगी, आपके क्षेत्र में भंडारे भोजन सब हुए होंगे, यज्ञ अनुष्ठान भी बहुत हुए होंगे, पर आपके क्षेत्र में जो ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हुई है आपने दिल से सुना है, दिल से भगवान की सेवा करी है, कोई कामना से नहीं, कोई पाने के लिए नहीं, केवल भगवान की सेवा में अगर दिल से लगे हो तो यह मानकर चलना कि 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भर देगा। यह निश्चित, यह निश्चित। जीने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा बोलते जाओ पानी जरूरी है, और पानी से ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से ज्यादा आयु जरूरी है। अगर आयु नहीं होगी, उम्र नहीं होगी, तो फिर ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव किस काम का, क्या काम का। सबसे मूल है आपकी आयु। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शंकर को जल चढ़ाते समय हम जब उत्तर का मुख कर जलाधारी उत्तर की होती है तो हम इधर खड़े होकर जब शंकर को जल चढ़ाते हैं उत्तर की ओर मुख कर तो हमारा देव अधिदेव महादेव हमारी आयु बढ़ाता चले जाता है, हमारी आयु बढ़ाता। शंभु का भजन, शिव का स्मरण, शंकर को पाने के लिए तुम आभूषण पहनो, वस्त्र पहनो और सुंदर वस्त्र पहनो और सुंदर आभूषण धारण करो, या सुंदर वस्त्र धारण करो, या सुंदर सुंदर पादुका धारण करो, या अच्छी चप्पल या अच्छा मेकअप धारण करो तब शिव मिलेंगे, ना ना। शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है निर्मल मन सो मोहि, निर्मल मन होना चाहिए। और प्रत्येक घर के अंदर
छोटा सा छोटा एक शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग की आकृति या अंगुष्ठ को खड़ा करो, हाथ रखो, इससे बड़ा शिवलिंग अपने घर के अंदर ना हो। इससे जितना छोटा 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 होगा उतना फलदायक। लोग कहते हैं क्या शंकर का शिवलिंग घर में रखेंगे तो रोज पूजन की जरूरत पड़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, तुमने उसका स्नान नहीं कराया कोई बात नहीं, तुमने उसकी पूजन नहीं करी कोई बात नहीं, शंकर का शिवलिंग अगर घर के अंदर है, आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए, शिवलिंग घर में है, उसकी पूजन नहीं हो रही, जल नहीं चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा, कोई बात नहीं, एक बेलपत्र जाने से पहले शंकर भगवान को एक बेलपत्र बस चढ़ाकर और चले जाओ, एक बेलपत्र चढ़ाकर या एक चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। बाकी के तुम 1 महीने में आ रहे हो, 5 दिन में आ रहे हो, 10 दिन में आ रहे हो, 15 दिन में आ रहे हो, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आना, फिर बाबा का बेलपत्र हटाना, चावल का दाना हटाना, फिर स्नान करा देना। शंकर कभी भी जिस घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होता है उस घर के अंदर भगवान देव अधिदेव महादेव अपना एक आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी के साथ, षडानंद कार्तिकेय के साथ, अशोक सुंदरी के साथ, मेरा देव अधिदेव महादेव विराजमान होते हैं, माता पार्वती के साथ, शिव शक्ति के साथ, भगवान शंकर शक्ति के साथ बैठे। प्रत्येक घर के अंदर छोटा, अब कोई कहे कि गुरुजी किसी ने कहा कि शंकर का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, जो कह रहे हैं उन्होंने शिव महापुराण को पढ़ा नहीं है। ठाकुर जी की मूर्ति अगर टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवी जी की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवता की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, पितरों की पाथड़ी टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर बीच में से 10, 15, 20, 25 टुकड़े भी हो जाएं तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो अखंडेश्वर महादेव ही कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। कोई कहता है हमारे घर में, हमारे मंदिर में शिवलिंग है वो टूट गया है गुरुजी, हम उसे बदल दे, काय को बदल दे? शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में जैसा है, पत्थर का है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, पारत का है, चांदी का है, पत्थर का है, नर्मदेश्वर है, सीहोर का, कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, तुम्हारे घर में जो रखा वो श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता है। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से कि पार्वती ये चंद्र, तुम पूर्व जन्म में सती थी और तुम्हारी बहन 27 बहनों का विवाह इस चंद्र के साथ हुआ था, चंद्र की 26 पत्नियों पर चंद्र का ध्यान नहीं गया, 27 पत्नी रोहिणी से उनका प्रेम रहा, पर सुनो ए पार्वती एक बात आज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना पार्वती, ये चंद्र को काया का रोग, अपनी 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया उसके लिए नहीं, 26 पत्नी का अपमान करा ये उसका फल, छब्बीस पत्नी का जो अपमान किया गया है ये उसका भोग है। कितना सुंदर कहा, एक चरित्र आता है कि एक भगवान को भजने वाला एक व्यक्ति बहुत भजता था, बहुत भगवान की भक्ति में इतना रमा रहता था, इतना भजन करता था, उसकी शादी हुई, घर में धर्मपत्नी आ गई। अब शादी होने के बाद जब पत्नी घर में आई और पत्नी घर में आकर निवास करी, 3 साल के बाद पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद बच्चा मालूम पड़ा कि दोनों पांव से चल नहीं सकता, विकलांग,
बच्चा चल नहीं पा रहा, पांव विकलांग है उसके, बड़ा दुखी हो गया। भगवान के पास पहुंचा, भगवान से बहुत बहुत झगड़ा किया, बाबा ये कहां का तरीका है, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूं, मैं तुम्हारा पर इतना विश्वास करता हूं, मैं तुम्हारा इतना भजन करता हूं, मेरा बचपन तुम्हारे भक्ति में निकला, मेरी जवानी तुम्हारी भक्ति में निकली, मेरी शादी हो गई, पत्नी अच्छी मिल गई, परिवार अच्छा मिल गया, सब अच्छा मिल गया, और बच्चा हुआ तो ऐसा हुआ। एलईडी चालू करिए, एलईडी एलईडी यहां चालू करवाइए उधर साइड की। अगर बच्चा हुआ तो मेरा बेटा हुआ और उसके पांव नहीं है, विकलांग है, विकलांग बच्चा हुआ तो ऐसा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा बड़ा तकलीफ है। अब रोज मंदिर जाता और रोज भगवान से झगड़ा करता, रोज मंदिर जाता और रोज भगवान से झगड़ा होता, प्रतिदिन मंदिर जाए, प्रतिदिन झगड़ा करे, भगवान बोले नहीं कुछ। अब की बार उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपना सिर शंकर भगवान के शिवलिंग से भड़कना, शंकर के शिवलिंग से अपना सिर फोड़ना प्रारंभ किया। शिव जी प्रकट हुए, क्या बात है, क्या हो गया, मैं आपका भजन करता हूं बचपन से, भगवान आपका भक्ति कर रहा हूं, एक लोटा जल समर्पित करता हूं, पूजन करता हूं, आराधना करता हूं, शादी हो गई मेरी, मेरी पत्नी आ गई, मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ, वो दोनों पांव से विकलांग है, मैं इतना भजन करने वाला और मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मैंने कौन सी गलती करी। शंकर भगवान कहते हैं ये गलती तेरी आज की नहीं है, पूर्व जन्म में तू एक किसान था, एक किसान का बेटा पूर्व जन्म में तू था, और खेत पर तेरी धर्म पत्नी भोजन लेकर आई थी, और वो भोजन तेरी पत्नी ने खेत पर रख दिया, मेड़ पर, खेत की मेड़ पर भोजन रख दिया, तू खेत में काम पर लगा हुआ था, इतने में पत्नी भोजन को रख कर आवाज लगा कर चली गई, और तूने दूर से देखा कि कोई कुत्ता तेरे भोजन को खा रहा है, तू गुस्से में लाल होकर कि एक तो दिन भर थक गया और ऊपर से भोजन भी कुत्ता खा गया, डंडा लेकर भागा और उस कुत्ते के दोनों पांव तूने तोड़ दिए, दोनों कुत्ता विकलांग। तू कहता है कि मैंने कौन सा कर्म करा, ये पूर्व का कर्म का भोग है, वही कुत्ता तेरे घर में जन्म लेता है और विकलांग होकर जन्म लेता है, उसकी सेवा तुझे करना पड़ती है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म कैसे हैं ये हमको नहीं मालूम, हमने पूर्व में क्या करा ये हमको ज्ञात नहीं है, हमने पहले जन्म में क्या करा ये हमको मालूम नहीं है, बस हमें लगता है कि हम आज, इसलिए आपको कहते हैं किसी के चक्कर में मत पड़ो, शंकर जी के दरवाजे पर जाकर शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ, क्यों, विधाता का काम है भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य को पलट देना, विधाता का काम है भाग्य लिखना,
और महादेव का काम है भाग्य को, विधाता के लेख को पलटना। ये कोई नहीं पलट सकता, ब्रह्मा जी लेख को नहीं पलट सकते, भगवान विष्णु लेख को नहीं पलट सकते, 33 कोटि देवता लिखे हुए लेख को नहीं पलट सकते। केवल पलटेगा तो केवल एक देव अधिदेव महा देव ही पलटे, महादेव पलटे। उसका कारण क्या है? किसी ने हमसे पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि महादेव लेख पलट सकते हैं, बाकी का कोई नहीं पलट सकता, उसका कारण क्या? उसका कारण केवल इतना है कि ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, शंकर भगवान कहां के अधिपति हैं? पृथ्वी के। मृत्यु लोक का अगर कोई अधिपति है तो शिव है। तुम्हारी कोई फाइल है उत्तर प्रदेश की और तुम कहां जा रहे हो? मध्य प्रदेश। हमारी फाइल निपटाओ। निपटेगी? अरे बोलो तो जम के। नहीं, क्या कहेंगे? भैया तुम उत्तर प्रदेश जाओ ना, तुम्हारे फाइल तो उत्तर प्रदेश की है, तुम्हारा केस उत्तर प्रदेश का है, सब कुछ उत्तर प्रदेश का है, तो तुम मध्य प्रदेश क्यों आए? तुम राजस्थान क्यों आए? तुम्हारा केस तो वहां का है, वहां निपटो। तुम फाइल है मध्य प्रदेश की और जा रहे हो तुम बिहार। अरे भैया फाइल तुम्हारी मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश में निपटेगी। चोरी का मामला है तो चोरी का मामला वहीं निपटेगा, मर्डर का मामला है तो वहीं निपटेगा, कोई दूसरी जगह तो यह नहीं पट सकता। तुम्हें जाना है तो वहीं जाओ, वहीं पर निपटे। उसी तरह उत्तर प्रदेश की फाइल उत्तर प्रदेश में निपट रही है, मध्य प्रदेश की फाइल मध्य प्रदेश में निपट रही है, राजस्थान की फाइल राजस्थान में निपट रही है। ये प्रदेशों को बांटा क्यों है? उसका बांटने का कारण है कि आप इतना क्षेत्र संभालो और यहाँ का कार्यभार आप देखो, कौन सी फाइल निपटाना है, क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। उसी तरह फाइल दी गई है, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी मनुष्य हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर थलचर वायुचर, पृथ्वी पर अगर एक चींटी भी जन्म लेगी, झिंगुर भी जन्म लेगा, कीड़ा भी जन्म लेगा, मनुष्य भी जन्म लेगा, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इन सब की फाइल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास है। वो पलट देगा, पलट देगा। यहां की फाइल शिव के पास, यहां से सील ठप्पा लग कर जाएगा कि इसको बैकुंठ भेजना है कि नरक भेजना है। और तुम जितने बैठे हो एक भी बैकुंठ नहीं जाएगा, ना यह सियोर वाला महाराज जाएगा, ना तुम जितने कथा सुन रहे कोई बैकुंठ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में होटल में उतने दिन ही रखा जाता है जितने दिन माल लुटाते जाओ। बैकुंठ में उतने दिन ही रहने को मिलता है जितने दिन तुमने अच्छा कार्य किया है, उतने दिन तुम्हें बैकुंठ में रहने को मिलेगा। तुम्हारी पॉकेट में पैसा है तो खूब लुटाओ, उतने दिन तुम्हें होटल में रहने देगा। पॉकेट में पैसा खत्म, होटल से निकाल देंगे। तुम्हारे पुण्य खत्म, बैकुंठ से धक्का मार देंगे। केवल एक धाम है, शंकर का धाम, जहां पॉकेट का माल नहीं देखा जाता, जहां एक लोटा जल देखा जाता है। जितने कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की, बैकुंठ में अपन नहीं मिलने वाले, नरक में भी नहीं मिलने वाले, कहां मिलेंगे? बाबा भोलेनाथ के चरणों में, कैलाश अधिपति के उस पवित्र प्रांगण में, कैलाश की भूमि पर, जिसके ऊपर से देवता भी नहीं गुजर के जा सकते, वो कैलाश की धरा पर आप और हम मिलेंगे, वो कैलाश की भूमि। जिस पे से कोई उलांग कर भी नहीं जा सकता। इतना विचित्र कथा है, लंका का राजा रावण कैलाश पर पहली बार गया और बीच में नंदी बैठा मिल गया, तो नंदी को बैठा हुआ जानकर रावण ने अपना स्वरूप बढ़ाया और नंदी को उलांगने लगा, तो नंदी ने पांव ऐसा पकड़ा कि लंका का राजा रावण उलांग भी नहीं पाया, दसों मुंडियां हिलने लगी। घबराने लगा,
थर थर कांपने लगा, लंका का राजा रावण। तो रावण ने किसको याद करा, किसको बुलाया लंकाधिपति रावण ने? शंकर भगवान को? नहीं। जब रावण का पांव नंदी ने जकड़ दिया, पांव हिल नहीं पाया, लांग कर जा रहा था। यहां तो सीधी सीधी बात है, शंकर जी के जलाधारी में से जो जल निकलता उसको नहीं लांगते। शिव महापुराण की साक्षी में ये सामने, ये शंकर जी की ये व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ से ये सामने जितना बड़ा मंच बना हुआ है, मंच के सामने की जितनी जगह होती है, हमारे चाहे पीएसओ हो, पुलिस के जवान हो, चाहे कार्यकर्ता हो, आपको इधर से इधर नहीं जाने देते। जगह खाली है, आप जा सकते हो, पर इधर से हम इधर नहीं जाने देते। भागवत हो आप खूब निकलो, रामायण हो आप खूब निकलो, गीता जी हो आप खूब निकलो, पर शिव महापुराण की कथा हो उसके सामने का ये भाग खाली रखा जाता है, क्योंकि यहाँ नंदी बाबा की ये 5 दिन की कथा, 7 दिन की कथा बैठ कर श्रवण करता है। हम जाने नहीं देते, उलांगने नहीं देते, क्योंकि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना उस व्यक्ति का जो लांग कर जा रहा है। तेज कोई फोटो खींचने आ गया, कोई कुछ करने के लिए आ गया, कोई वीडियो बनाने के लिए आ गया और वो लांग कर चले गया, बाद में उसको समझ में नहीं आता कि हमें तकलीफ क्या हो रही है, बाद में मालूम पड़ता है कि हमने गलती क्या करी। वो कोई नहीं बताएगा कि वो गलती कौन सी थी। आपको गुस्सा आएगा कि हमारे को जाने क्यों नहीं दे रहे, हमको इधर क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। गार्ड रोक देंगे, पीएसओ रोक देंगे, पुलिस रोक देगी कि भाई यहाँ से सामने से मत निकलो, आप पीछे से निकल जाओ, पूरा मंच पड़ा है घूम के निकल जाओ, पर सामने मत आओ। क्योंकि शंकर को जब 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होती है, आप यहाँ पर आए हो, आपने दर्शन करे होंगे, कई माताएं मिट्टी को अपने मस्तक से लगाती हैं, कई प्रणाम करती है, कई लोट लगाती आती है। कथा के पंडाल की इतनी महत्वता होती है कि दिल से अगर मांगा जाए तो 3 महीने में बाबा बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त कर देता है। और हीरे की चूड़ी पहनने वाले करोड़पति, सोने की चूड़ी पहनने वाले भी इस पंडाल में आगरा से आके पड़े हुए हैं, राजस्थान से आके पड़े हुए हैं, फिरोजाबाद के लोग पड़े हैं, मैनपुरी के लोग पड़े हुए हैं पंडाल के अंदर, जिनके आगे पीछे 4-4, 5-5 नौकर घूमते हैं, वो भी इस पंडाल में बैठकर केवल कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कई ऑफिसरों की पत्नी पंडाल के अंदर पड़ी हुई है, पंडाल के अंदर सो रही है, पंडाल के अंदर रह रही है, कोई आस लेकर, विश्वास लेकर। इस शिव महापुराण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जिंदगी निकल गई लोगों की शिवपुराण को समझ नहीं पाए, जीवन निकल जाता है। लोगों को लगता है जैसी भागवत है वैसी रामायण है, जैसी गीता है वैसी वो है, वैसी शिवपुराण है, महाराज को बुलाएंगे करवाएंगे और चले जाएंगे। ना ना, इस पुराण को समझना बहुत कठिन है, समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है मनुष्य की, पूरा जीवन, पूरा जीवन। शिव तत्व को जानना, शंकर को पहचानना। नंदी का पांव जकड़ गया कि रावण का पांव जकड़ गया, रावण पांव नहीं हिला सकता, रावण ने चीखा, चिल्लाया, खूब आवाज लगाई, कोई ना आया। आखिरी में रावण ने देखा मैं किसको बुलाऊं, शंकर जी को तो मिलने जा रहा था, स्मरण नहीं था, किसको बुलाऊं। रावण ने विचार करा, तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। किसको आवाज लगाइए, जम के बोलिए, मंदोदरी। कौन है ये? रावण की। तब लंका अधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। क्यों? क्योंकि लंका के अंदर मंदोदरी केवल एक ऐसी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग का रोज निर्माण करती थी, रोज पूजन करती थी, रोज अर्चना करती थी। रावण को मालूम है अगर मुझे कोई बचा सकती है तो वो मंदोदरी भी बचा सकती है। तब मुझसे जो अपमान हुआ है नंदी का, मंदोदरी को आवाज लगाया। मंदोदरी उस समय मिट्टी का हाथ, बालू का शिवलिंग बनाती हुई, हाथ पूरा मिट्टी में सन रहा था, मिट्टी में हाथ भिड़ रहे थे, और मंदोदरी रावण की पुकार सुनकर पहुंच गई। मंदोदरी ने जो देखा, स्वामी क्या हुआ? रावण कहते मेरा पांव, मैंने सोचा ये बैल बीच में है तो इसको लांग कर चले जाऊं, इसने मुझे रोकना चाहा परंतु मैं लांग कर जा रहा था, इसने मुझे पकड़ लिया, छोड़ नहीं दा, पांव जकड़ लिया। मंदोदरी मुस्कुराकर
नंदीश्वर की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। केवल हाथ जोड़े थे मंदोदरी ने, और नंदी ने मंदोदरी के हाथ पर बालू रेत मिट्टी लगी हुई देखी कि ये वो बालू रेत है, ये वो मिट्टी है जिससे मंदोदरी रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर विसर्जन करती है। आज उस मिट्टी का हाथ लेकर मंदोदरी आई थी और वो मिट्टी का मात्र एक कण हाथ जोड़ते समय जमीन पर गिर गया था, उसका स्पर्श नंदी को हो गया था, उस स्पर्श से नंदी ने पांव को छोड़ दिया, मात्र एक स्पर्श। क्या है पंडाल की मिट्टी, क्या है कथा श्रवण करने की भक्ति, क्या भगवान का भजन, क्या स्मरण, क्या पूजन, क्यों रात रात लोग सोते हैं, क्यों कथा का चौथा दिन शिवरात्रि होता है, सातवें दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि होता है, क्यों किस लिए? रात रात भर लोग रात भर सफर करते हैं और रात भर सफर कर आखिरी के दिन की कथा सुनने के लिए पंडाल के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जैसे घर के मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन मेरा बाबा जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है। समझने वाला समझ गया, जो ना समझा वो गया। उसको पहचानना कठिन है। एक पत्र है। मेरा नाम सुमन देवी है, मेरे पति का नाम संतोष शर्मा है, मैं मुकाम संतोष नगर फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ, संतोष नगर फिरोजाबाद की रहने वाली। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरे कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरे छोटे बेटे का जॉब नहीं था, सारी पढ़ाई करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, हार गया। आखिरी में उसने विचार कर लिया कि अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत कर चार गुनी और एक बेलपत्री शहद की लगाकर शंकर को जाना, शिव सुनेगा। गुरुदेव 2023 में मेरे बच्चे ने मेरे कहने पर फिर वापस फॉर्म भरा और तैयारी करी, चौगुनी मेहनत, आपकी कथा सुनी, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से दो जनवरी 2024 को सिकंदराबाद में ट्रेन मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया, रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। एक शिव भक्ति हमारे भीतर जब जागृत होती है, विश्वास को हम जागृत करते हैं, भरोसा हमारे भीतर जब जागृत होता है तो क्यों ना शुभ। शिव भक्ति का बल जिस दिन आपके सामने होता है आप पहचान नहीं पाएंगे। घर में छोटा सा शिवलिंग है, कोई कहता है कि मत रखो, कोई कह ये मत रखो, कोई कह वो मत रखो, दरवाजे पर लिखा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर में रखा शिवलिंग। आपके घर में केवल एक शिवलिंग साधारण नहीं है, वो आपकी रक्षा का एक सूचक है, रक्षा का एक सूचक है। जो पहचान गया वो पहचान गया, जो नहीं पहचान पाया वो दरा की दरा रहे। अमृत लूटा फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर, 5 दिवस शिशु महापुराण में खूब कुबेर भंडारी लुटाने के लिए आया, जिसने लूटना लूट लिया, जो नहीं लूटा बाद में पछताया। जो समझ गया कि शिव तत्व क्या है, जो जान गया शंकर की अविरल भक्ति क्या है, वो जान। पार्वती अपमान के सूचक में ये चंद्रदेव को काया का रोग हुआ है। काया रोग होने का कारण कोई दूसरा नहीं, काया रोग होने का कारण है किसी का अपमान।
पानी और वाणी दोनों श्रेष्ठ होना चाहिए। तुम्हारे घर में आरओ लगा है क्या? जम के बोलो जरा। अच्छा, जब पानी आरओ का पीते हो, पानी छान कर पीते हो, पानी क्लीन कर कर पीते हो, क्यों पीते हो? कि हम अगर बेकार पानी पिएंगे तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। तो पानी अगर आरओ का पी रहे हो तो वाणी भी आरओ की बोली है, थोड़ी सी अच्छी बोली, श्रेष्ठ बोली। पानी तो तुम्हें बिस्लेरी का चाहिए और वाणी बिस्लेरी की नहीं है, पानी आरओ का चाहिए और वाणी आरओ की नहीं है। शब्द पानी पियो छान, गुरु करो जान। हम कहते हैं पानी पियो छान और वाणी बोलो जान। वाणी भी बोलना तो ऐसी बोलना कि किसी का दिल ना दुख जाए, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। अपनी चित्त वृत्ति से कुछ वाणी ऐसे, शुमा पुराण के अंतर्गत हम लोगों का 5 दिन की कथा है, तो शुरू के 2 दिन हम नहीं मिलते, पर अगर नीचे जैसे हम अम्मी भैया के रुके हैं या जहां हम रुकना हुआ अर्चिटा दिख में, जहां भी मैनपुरी में हम जहां किसी के कोरे मकान में शर्मा जी के रुके थे, ऐसे कहीं पर भी हमारा जहां रुकना होता है वहां हम जब नीचे से निकलते हैं बहुत लोग खड़े रहते हैं, बहुत लोग खड़े रहते हैं, सबसे मिलना होता है, भाई प्रणाम 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 करा और निकलते। ज्यादा मिलना नहीं होता, कारण क्या होता है कि क्या बोलें, जो कुछ बोलना है शिवपुराण बोलती है। आप अपना दुख हमको आकर बता दोगे कि हमारे पांव में तकलीफ है, कोई कह देगा मेरे बेटे को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बेटी को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बहू को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरा इसको तकलीफ है, तो हम किसी का दुख मिटाने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा दुख तो खुद महादेव मिटाते हैं, तो आपका दुख भी महादेव ही मिटा सकते। आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलिए। बधाई हो आपको। बधाई श्री शिवाय। आप उसके आश्रित हो जाओ। ना मिलने का एक कारण और है, हम आप लोगों से ज्यादा इसलिए नहीं मिलते क्योंकि कहीं आप लोगों के मन में, आज की दुनिया बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र दुनिया है। आज के जमाने में लोग कथाकार हो या कोई संत हो या कोई महात्मा हो, कोई बाबा जोगी हो, उसको लोग जल्दी से भगवान बना देते हैं। हमारा एक निवेदन इस व्यासपीठ से, भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। आप इंसान को भगवान मत बनाइए, और इंसानों से भी निवेदन है, आप कितने बड़े भी महात्मा हो गए अपनी जगह के, पर आप भगवान नहीं हो, भगवान भगवान है। इंसान को इंसान रहने दो, पर दुनिया के लोग आज के जमाने में इंसान को भगवान बनाने में लगे हुए हैं। अरे भगवान, अरे ना ना ना, उसको इंसान रहने दो, उसकी भी जिंदगी है, उसकी लाइफ उसको जीने दो, उस परमात्मा को परमात्मा रहने दो, बहुत है वो, बहुत। उसकी अविरल भक्ति आप धारण करिए। अपने भीतर आडंबर से दूर होने का प्रयास करिए। शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे बहन के पति चंद्रदेव नहीं, सम्मान नहीं देने का कोई क्रम अपमान मूल है, ये अपमान के जो शब्द बोले गए उससे ये काया करो,
और बड़ी मुश्किल से मिली है काया, बहुत भाव से भगवान ने तुमको दी है, इसको श्रेष्ठ बनाए। क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे इस काया का, पानी में डूबना है, समाप्त हो जाना। काजू खाओगे, बादाम खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, इमरती खाओगे, भजिया खाओगे, पकोड़ा खाओगे, चाहे कुछ भी खाओ, तुम्हारी मर्जी है, पर आखिरी में तो राख का ढेर होना ही है, कैसे भी लो। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी, माटी में मिल जाती ये काया कभी कभी, होती है फिरोजाबाद में शिव पुराण कभी कभी, होती है फिरोजाबाद में शिव पुराण कभी कभी, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है फिरोजाबाद में शिव पुराण कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, होती है फिरोजाबाद शिव पुराण कभी। और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, होती है फिरोजाबाद शिव पुराण कभी कभी। कई किस्मत कई भाग्य फिरोजाबाद वालों के चमके, कई किस्मत चमकी फिरोजाबाद की, और ये शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय हो गई, ये शंकर की उदारता से हो गई, शिव की कृपा से। पहचान लो बहुत याद आएगी आपको शिव महापुराण की बहुत, जब इस रोड से निकलोगे ना तो इस जगह को देखकर याद करोगे यहां शिव कथा हुई थी, भूमि को याद करोगे। केवल आपको ही नहीं प्रशासन को भी बहुत याद आएगी, बहुत, कहां से इतने सारे आते हैं और कहां चले जाते हैं। 11 बजे समापन कथा का विराम हो जाएगा, 2 बजे यहाँ एक परिंदा नहीं मिलेगा,
बैग लेंगी माताएं, सिर पे से ऐसे निकलेंगी जैसे कहीं बहुत यात्रा कर कर आ रही हों, पंचकोसी, सात कोसी, कहीं व्रत 84 कोस की, कहीं ऐसा लगेगा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। सिर पर बैगों का बंडल, बस गाड़ी ट्रक, और उसमें शिव भक्त भरा कर भगवान की विरल भक्ति करते करते चले गए। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में भरचक भीड़, लोग पूछेंगे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ट्रेन का मास्टर भी कह देगा जिसमें खाली जगह हो बिठा दो, जान दो अभी तो खाली करो फिर हो जावा, चलो निकलो जाने। शिव भक्ति समिति को भी स्मरण आएगा, सबके हृदय में चित्त में शिव तत्व है, सबके। और बाबा को याद करते रहो, शंकर को याद करते रहो, शिव को याद करते रहो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। अपमानजनक शब्द व्यक्ति की काया को समाप्त कर देते हैं, काया को। भगवान से एक निवेदन हमेशा करते रहो, शंकर जी के मंदिर में जाना, शिव जी से कहना बाबा तूने इतना वैभव दिया है ना, इतनी जायदाद दी है ना, इतना धन दिया है ना, इतनी संपदा दिया है ना, तूने दुकान दी, परिवार दिया, घर दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, अब आयु दे, थोड़ी उम्र बढ़ा दे जिसका भोग में भोग सकूं, और उस उम्र में एक चीज और लिख देना कि कहीं तेरी अगर शिव पुराण की कथा हो तो उस पंडाल में बैठ कर सुन सकूं, ऐसी उम्र हो। ये उससे कह देना, शंकर के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो मांगा करो, मांगने कई कथाकार कहते हैं भगवान से मत मांगो, भागवत जी में कई महाराजों बोलते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान को तो दो मांगो मत, पर इतनी माताएं बैठी है, आप में से कितनी माताएं जो अपने पति की रोड थाली में 6 रोटी 10 रोटी एक साथ रख देती है, कोई रखती है, जम के तो बोलो जरा, नहीं। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे की थाली में 6-7 रोटी एक साथ रख देती है, तुम्हें मालूम बच्चा 7 रोटी खाता है तो 7 एक साथ रख दी, पति 5 रोटी खाता है तो 5 एक साथ रख दी, नहीं। पत्नी अपने पति की थाली में पूरी रोटी नहीं रखती, माँ अपने बेटे की थाली में पूरी रोटी नहीं रखती, उसका कारण केवल इतना है कि पति आवाज लगा कर कहे आज दाल अच्छी बनी है, ला एक रोटी और लेकर आ, तो पत्नी खुश होती है। बेटा भोजन करने बैठे और आवाज लगा कर कहे मम्मी माँ मम्मी माँ, माँ अंदर से पूछे बोल क्या हो गया, आज गोभी की सब्जी अच्छी बनी है, एक रोटी और ला दे, माँ खुश हो जाती है कि मेरे बच्चे को आज सब्जी अच्छी नहीं। उसी तरह दूसरे कथाकार कहते हैं भगवान से मत मांगो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर हमारा बाप है और शक्ति हमारी माँ है, 50 बार मांगो, शिव हमारा बाप है, शंकर हमारा पिता है, और माँ दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री, माँ चामुंडा माँ जगत धात्री, माँ दुर्गा हमारी माँ है, और बाप और माँ से मांगने में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्यों हटे, हम किसी दूसरे से थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम दूसरे से नहीं मांग रहे हैं। मायके का मतलब क्या होता है मालूम है तुम लोगों को, अरे बोलो तो जमी जम के बोलो जरा, मायका मतलब जो भी कुछ है मेरी माँ का, मैं जाऊंगी और मेरा मन पड़ेगा तो मैं ये भी लाऊंगी वो भी लाऊंगी, और घर के लोगों से कह के मेरे को ये ला के दे दो, मुझे ये ला के दे दो, मुझे ये कांच का गिलास दे दो, मुझे ये मूर्ति दे दो, मुझे कटोरा दे दो, मुझे ये सामान दे दो, मायका अपने माँ के दरवाजे पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। बेटियों का हक होता है जाकर मांगना बोलना, कोई कहे तुमसे कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, कौन ने कह दिया तुमको, कई लोग तुमसे कहेंगे
कथा बाचने वाले भी आकर कहेंगे भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान से क्यों मांगो, भगवान को तो दो। परशु महापुराण की कथा कहती है शंकर को तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और उसको जो प्रिय है वो तुम दे नहीं सकते। एकाध बार शंकर जी ने कह दिया पकड़ ला, मुझे प्रिय है, जा पकड़ के लेके आ, जा चले जा पकड़ ला, शंकर को तो प्रिय है। एकाध बार कह दिया जा पकड़ ला सांप को, मेरे गले में डालना है, शंकर जी के पास में जाकर तुम तुरंत कह दोगी बाबा रेन दे तू तो मैं नहीं जाऊं पकड़ने, तू तो शंकर की प्रियता। शंकर जी कहते मुझे प्रिय, जा शमशान की भस्म लेके, मुर्दा जले और छान कर राख लिया, ओ बाप मैं तो ना जाऊं, मैं ना तेरे हाथ जोड़ो ना जाऊं। शंकर शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाया मन तुम्हारा, चावल चढ़ाया मन तुम्हारा, भस्म चढ़ाई मन तुम्हारा, और कुछ नहीं चढ़ा सको तो तीन बार ताली बजाई मन तुम्हारा, और ये भी ना कर सको तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम ये मन तुम्हारा। और कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में कहा, अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ड्यूटी पर जा रहे हो, नौकरी पर जा रहे हो, फैक्ट्री पर जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो, एक काम करो, ना मंदिर जा सकते हो ना शिखर दर्शन कर सकते हो, तो जहां शंकर का मंदिर है, शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सामने से गाड़ी लेकर चलो, और गाड़ी चलाते चलाते एक बार शंकर की ओर मुस्कुरा कर देख लो, तो भी पार्वती जी शंकर जी से कह देती हैं इतना दुख है इस व्यक्ति को तो भी तुम्हारे दरवाजे पर मुस्कुरा कर जाता है, समझ में नहीं आता ये मुस्कुराहट ने भी आधे लोगों को घायल कर रखा है। मुस्कुराहट और एक बार प्रैक्टिकल करके देखो कि मुस्कुराने में दम कितनी है। किसी की दुकान के सामने से अच्छी बढ़िया निकले ना और दुकान वाले को इतनी देर में, तो दुकान वाला पहले टेंशन में आ जाएगा, ठीक कौन से आई थी, कौन थी, नौकर पूछेगा सेठ जी से, सेठ जी, सेठ जी बोले मुस्कुराई है, नौकर भी डिप्रेशन में सेठ भी डिप्रेशन में, रात को नींद नहीं आ रही, थी कौन था कौन, इतना मुस्कुरा कर गया, फिर दूसरे दिन मुस्कुरा कर चले गया, टेंशन कितना भी दुख हो, कर्जे में लदा लूम हो गए, मरने की प्लानिंग नहीं करना, दुख आ गया मरने की प्लानिंग नहीं करना, तकलीफ आ गई मरने की प्लानिंग नहीं करना है, बहुत बड़ा दुख आ गया कोई बात नहीं, शंकर के मंदिर के बाहर से निकलो तो मुस्कुरा कर निकलो, तो शंकर को भी लगे कि इतना दुख होने पर मुस्कुरा रहा है, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू मुस्कुराता रहे, तेरे चेहरे की स्माइल खत्म ना हो, तेरे चेहरे पर स्माइल बनी रहे। और अगर हम रोके मंदिर जाएंगे जिंदगी भर रोते रोते मंदिर जाए तो भगवान भी के रोतली भाई आ गई अभी रोएगी पूरी का रोना प्रसन्न। यह हमारी भाग्य का आनंद है, सुखमय आनंद लीजिए, शंकर के मंदिर में परमात्मा की चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर कई मिलते हैं, हमारे को कई कई लोगों की वीडियो भी बहुत सारी आती है, भगवान के मंदिर में खड़े हैं आंख में से आंसू ढलक रहे हैं उनके, भगवान भी मन में सोचे तू मुझे दुखी करने आया है कि सुखी, थोड़ा मुस्कुरा के आया कर मेरे पास में, क्योंकि मेरा नाम तू जानता है कि लोग मुझे मुस्कुराहट से पहचानते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति देखना मुस्कुराती अच्छी लगती है, राधा जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, राम जी मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, जानकी जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, ब्रह्मा मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, विष्णु मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, शिव मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, एक भी भगवान की मूर्ति ऐसी नहीं है कि भगवान रोता मिला हो, भगवान मुस्कुराते हैं, क्यों, क्योंकि जिंदगी के पड़ाव में राम जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया था, रोने का मौका मिला था पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले गया, कृष्ण अवतार में आया खूब रुलाया पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया, जिंदगी में पड़ाव में हर पल दुख आएगा पर याद रखना मेरा फोटो देखना, राम जी कहते मेरा फोटो देखो, कृष्ण कहते मेरा फोटो देखो, शिव कहते मेरा फोटो देखो कि मैं मुस्कुराता रहता हूं, कितना भी दुख हो जिंदगी में मुस्कुरा कर आगे बढ़ना, तेरा हाथ पकड़कर खींचकर मैं ले जाऊं। तुम रो रहे हो और रोते रोते तो जिंदगी हो गई, पहले परिवार के लिए रोए, पत्नी बच्चे
नाते रिश्ते रोते 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 आखिरी का पड़ाव आ गया और जिंदगी समाप्त हो गई। वेंटिलेटर पे पड़ गए। घर के लोगों ने जाकर कहा, देखो तो माँ, ओ काकी, मौसी, देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। वो पलंग पे पड़ी की पड़ी और उसको दिखा रहे, देखो तो कौन आया। और ये छाती पे खड़े, उसकी आंख में से आंसू बहरा, पहचान गई कौनो? इतने में बहू ने कहा, देखो मम्मी पहचान रही है तुमको, काका जी तुमको मम्मी पहचान रही है। मम्मी से पूछो काका जी को देख रही, मम्मी को पूछो मामा जी को देख रही, मम्मी को पूछो मौसा जी को देख रही। और देख के मन में सोच रही, इन्हीं के चक्कर में तो मर रही। और मरते मरते भी छाती पे खड़े हो गए। इतने में मम्मी ने आंख बंद कर ली तो बहू बोली, काका जी तुमको पहचान गई। मम्मी ने आंखें बंद कर ली, आंख में से आंसू निकल रहे। अंदर से मम्मी से तो पूछो कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, राम का नाम नहीं लेन दिया, शिव पुराण सुनने नहीं निकाल दी फिरोजाबाद में, और कह रहे कि मम्मी खड़ी, पापा खड़े, काका खड़े, देखा ही ना हो, ले कौन खड़ा, कौन खड़ा। इसलिए अंत समय प्रभु वचन दिया और आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ी और अंत समय प्रभु आना पड़ी। कितना कितना भगवान की भक्ति का एक सुख है। क्या चाहिए शिव पुराण सुनने वालों को? कुछ नहीं। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल रखी, आसन बिछाया, बैठ गए, सोए, खाया, पिया, आनंद करा और चले बाबा के धाम। भागवत कराओगे ना, रामायण कराओगे ना, गीता कराओगे ना, प्रवचन कराओगे ना, तो बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ेगी। सबके रुकने की व्यवस्था, सोफा लगाओ, कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पानी दो, ये दो, वो दो, सम्मान करो, सत्कार करो, आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब, करो साहब। शिव पुराण एक ऐसी है कि शिव पुराण के चक्कर में लोगों को अपने मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं, कोई आ नहीं जाए, के नहीं जाए, हमको बिठाओ साहब, इसलिए मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। आओ, पंडाल खुला है, बैठो, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपना छाता, अपनी पानी की बोतल और अपना आसन लगाओ, अलमस्त से भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो और खूब प्रेम से बाबा का नाम लेकर झोली भर भर कर खूब लेकर जाओ और बाबा से पसार कर कहना, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर तो छटी ना, मैं कटी जावानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर उसके चरणों में बैठ जाओ। अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपनी जिब्या से, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना आए। वाणी बहुत संभाल कर, फिर निवेदन है, पानी अगर आरो का पीते हो तो वाणी भी आरो की बोलो, पानी बिस्लरी का पीते हो तो वाणी भी बिस्लरी की बोलो, पानी छान कर पीते हो तो वाणी भी छान कर बोलो। बहुत जरूरी है बोलना। एक राजा ने महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ और महल देखो कैसा बना है। सेठ जी आकर महल देखे, महल देखते सी सेठ जी ने कहा, महाराज महल तो अच्छा बना है पर दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा, दरवाजे से क्या, उन्हें आना जाना ही तो है। सेठ जी बोले, अरे महाराज तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा को तो कांटे से खून नहीं, गुस्से में लाल हो गया कि ये तो मेरे मरने की बात कर रहा है, मेरे मकान के मुहूर्त पे।
मेरे मकान के मुहूर्त पे मरने की बात करता? राजा ने अपने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको जेल में डालो, बंद करो इसको, मेरे मरने की बात करता? सेठ जी को जेल में डाल दिया, कारागार में पटक दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी ने आकर पूछा, महाराज मेरे पति आया था। राजा ने कहा, तुम्हारा पति? महल देखकर बोलता है, दरवाजा छोटा रख दिया, मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी महाराज? इतने में पत्नी बोली, मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा को तो चक्कर आ गए, पति तो पति, पत्नी तो हो रही जगदम्बा। राजा ने कहा, इसको भी लेकर जाओ, इसको बोलने के लक्षण नहीं, बंद करो इसको, लेकर थाने में, उसको भी जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा बोला, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं और तेरी माता को बोलने के लक्षण नहीं। पिताजी बोले, महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माँ क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में बेटा बोला, महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, पानी ला पीने का, पानी ला। मंत्री ने पानी पिलाया, बोलो महाराज। महाराज बोले, इनके खानदान में मुझे लगता है सबकी क्वालिटी एक जैसी है, सब एक जैसी, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तुम बोलो मना नहीं, पर जरा देख के तो बोलो कि तुम भीड़ किस दे रहे हो, किससे भिड़ रहे, समझने का। कल की बात है, कल हम यहां से लेके वहां तक तो हमको अधिकारियों ने छोड़ दिया था, उसके बाद में वहां से हम आगे बढ़े, फिर वो दूसरी वाली रोड पे आए, दूसरी वाली रोड पे आए तो मैं ट्रैफिक में फंस गए, और ट्रैफिक में फंसे तो एक ऑटो वाले ने एक महिला को कहा, इसमें ये सब इसमें कुछ बात हो रही होगी उनकी, तो महिला ने भी कह दिया, तू मुझे जानता नहीं है, मैनपुरी क्यों, तू मुझे जानता नहीं है, मैनपुरी क्यों। अब पता नहीं मैनपुरी में ऐसा क्या था, तो ऑटो वाले ने जी जी बैठो, अब मैनपुरी में ऐसा क्या था हम समझ नहीं पा, उन्होंने कहा मैनपुरी क्यों, उसने कहा जी जी बैठो। हमने भी पीछे वरुण बैठा था, हमने भी कह दिया, हमसे भी कोई पूछेगा कह देंगे मैनपुरी क्या है, बोलना होती है। अब शिव तत्व की प्राप्ति भगवान को पाने के लिए सबसे सुंदर है। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, मत दो भगवान शंकर को, आप रिझाने के लिए केवल अपनी मुस्कुराहट भी दे सकते हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपके चेहरे की स्माइल भी शिव को प्रसन्न कर सकती है, मुस्कुराओ प्रेम से बाबा। वो योग ऋषि रामदेव बाबा तो सबेरे सबेरे हंसने की तुम लोगों को बोलते भी हैं कि हंसो, ठाका लगा। लोग गार्डन में हंसते हैं पर वैसे नहीं हंसते। और फिर निवेदन है, सेल्फी में स्माइल देने से अच्छा है सेल्फ स्माइल रही है, खूब मुस्कुराई, प्रसन्न। एक एक फोटो के लिए कितने कितनी जरा सा फोटो, कितना भी दुख होना फोटो खिंचवाने के लिए तुरंत इतनी जोरदार स्माइल, बढ़िया दिखना चाहिए। किसी ने पूछा, ये तुमने क्यों खींचा, डीपी में लगाऊंगी। हमने भी मन में सोचा, जब तक जिंदा हो ना मुस्कुराते रहो, डीपियां बदलते रहो, बाद में डीपी भी नहीं बदल पाओगे, फोटो जैसे लग जाओगे, डीपी भी नहीं बदल पाओगे, एक जैसा फोटो रहेगा, एक जैसा फोटो। मुस्कुरा रहे हो, एक चेन गले में पड़ी है, टोपी लगी है, और गले में प्लास्टिक के फूल की माला, और दीवार पे टंगे उत्तर दक्षिण, तो मुस्कुरा। और पंखा चलता है जब माला हिलती है, माला माला इसलिए हिलती है क्योंकि सास फोटो में टंगे टंगे कहती है, बेटा हम भी जोड़ जोड़ के टंगा है, तुम भी टंग जाओगे, इसलिए अपने गांव में फिरोजाबाद में जब कथा हो तो थोड़ा सा लोगों को भोजन पानी कराते रहना, तो ऊपर भी खाने को मिलता रहेगा बेटा, नहीं तो टंग तो जाओगे।
मुस्कुरा लो, आई जिंदगी।